मुंबई के बाद क्या सीएसके भी बदलेगी अपना कप्तान, कौन संभालेगा चेन्नई की कमान, तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन और चाहते हैं कि आईपीएल 2024 में भी चेन्नई सुपर किंग टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में रहे तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने सभी को चौंकाने वाला फैसला किया, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी है। कुछ फैंस मुंबई इंडियंस के फैसले से खुश हैं तो वहीं काफी नाराज भी हैं। हालांकि इन सब के बीच क्रिकेट फैंस के जहन में एक और टीम के कप्तान को लेकर शंका आ रही है और वो है चेन्नई सुपर किंग टीम। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग टीम भी अपने नए कप्तान की तलाश में है। महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वह आईपीएल 2024 खेलने के लिए तैयार हैं। मगर ये भी सच है कि वह इस सीजन के लिए टीम के लिए नए कप्तान का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे। यह युवा है और लंबे वक्त तक टीम का कमान संभाल सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास काफी अनुभव भी है। हाल ही में उन्होंने अपनी कप्तानी में एशियन टीम्स गेम में टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है। इसलिए भी कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा स्क्वाड को देखते हुए लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। अब जब से मुंबई इंडियंस के कप्तान बदला है, तब से फैंस के बीच सीएसके के नए कप्तान की भी चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में सीएसके ने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम का कप्तानी सौंपी थी, मगर कप्तानी में टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और खुद ही अच्छा विचार नहीं कर पाई। बेनतीजन बीच सीजन में माहिर को फिर से टीम की कप्तानी सौंपी गई। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने साल 2019 में आईपीएल में डेब्यू किया था और तब से वह चेन्नई सुपर किंग टीम का हिस्सा है। ऐसे में उन्हें टीम के माहौल के बारे में अच्छी तरह से पता है। यदि उन्हें कप्तान बनाया जाता है तो उन्हें आगे बढ़कर कप्तानी को संभाल सकते हैं और गायकवाड़ लगातार टीम के लिए रन बनाते रहते हैं। आईपीएल 2023 में गायकवाड़ ने बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी की थी और 590 रन बनाए थे और फ्रेंचाइजी को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कुल आंकड़ों की बात करें तो गायकवाड़ ने अब तक 52 मैचों में 135.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 1797 रन बनाए हैं और ओपनर बल्लेबाज के रूप में 1 शतक और 14 अर्धशतक भी निकाले हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही। आपको क्या लगता है कि आप सीएसके भी अपना नया कप्तान नियुक्त करें या फिर नहीं, आप अपने व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।